आज तक डिजिटल ब्रेकिंग में इस वक्त की बड़ी खबर, सलमान खान और उनके पिता सलीम खान को मिली जान से मारने की धमकी। मुंबई पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। आपको बता दें, एक अज्ञात ने लेटर लिखकर ये धमकी दी है। सलमान खान और उनके परिवार की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सलीम खान जो कि सलमान खान के पिता हैं, उन्हें ये लेटर मिला था। आपको बता दें कि हाल ही में लॉरेंस बिश्नोई ने भी सलमान खान को धमकी दी थी, जिसके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई थी। ये बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। सलमान खान की जान को सताया खतरा, आसान नहीं रहा अब उन तक पहुंचना। सिक्योरिटी के 3 लेयर में रहेंगे भाईजान। इस वीडियो में आपको बताएंगे सलमान खान की सुरक्षा किस तरह की जाती है। सलमान खान की सिक्योरिटी के 3 पार्ट बनाए गए हैं। अगर कोई शख्स सलमान खान के पास पहुंचता है तो उसे सबसे पहले मुंबई पुलिस के जवानों का सामना करना पड़ता है। इन पुलिस वालों की संख्या अब पहले से काफी ज्यादा हो गई है। सलमान तक पहुंचने के लिए पुलिस वालों के बाद उनकी पर्सनल सिक्योरिटी का घेरा पार करना होता है। ये सिक्योरिटी सलमान खान ने खुद तैयार की है। बताया जा रहा है कि 10 से ज्यादा बाउंसर सलमान के इर्द गिर्द हर वक्त तैयार रहते हैं। ये अपने हाथों से ऐसा घेरा बना लेते हैं जिसे चीरना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। इसके बाद सलमान खान की सुरक्षा का जिम्मा शेरा के पास रहता है। शेरा सलमान खान के बिल्कुल करीब रहते हैं। अगर कोई गलती से या किसी चूक की वजह से सुरक्षा के 2 लेयर्स पार कर जाता है तो उसे शेरा रोक लेते हैं, क्योंकि वो साई की तरह सलमान खान के आसपास मंडराते हैं। बताया जाता है कि सलमान खान की मर्जी के बगैर कोई भी उनके पास नहीं जा सकता। अगर उसने ऐसी कोशिश की तो या तो उसे हटा दिया जाता है या फिर धक्का मुक्की झेलनी पड़ती है। ऐसा कई बार देखा गया है जब सलमान खान की सुरक्षा करने वालों ने हाथापाई की हो या फिर शेरा के साथ विवाद हुआ। थोड़ा